अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम लोग तो आज दरअसल कर रहे हैं बर्थडे पार्टी इंजॉय। चले आएँ, आपको भी लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि प्रदेश में हम लोग बर्थडे पार्टी किस तरह इंजॉय करते हैं और किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये बर्थडे पार्टी दरअसल मेरी फ्रेंड के बच्चों की थी, उसके बेटे की और बेटी की, दोनों एक ही मंथ में पैदा हुए थे, तो उसने सेम डे उन लोगों की बर्थडे अरेंज की थी। यहाँ पर पाकिस्तान की नस्बत मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैटरिंग से लेकर डेकोरेशन तक का सारा काम खुद करना पड़ता है। कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने में तकरीबन एक हफ्ते का टाइम लग जाता है उसकी तैयारी के लिए। आपने शॉपिंग करनी होती है, आपने खाने का जो काम है वो थोड़ा सा पहले से तैयार करके रखना पड़ता है। छोटे छोटे से काम अगर आप टाइम से पहले शुरू कर दें तो एक तो ये है कि थकावट भी कम होती है और काम बहुत अच्छे तरीके से और टाइम पर पूरे हो जाते हैं। बस यहाँ पर बर्थडे की टेबल को फाइनल टच दिए जा रहे थे, कुछ डोनर से जो हैंग करने थे और कुछ छोटी मोटी यहाँ पे सेटिंग थी वो की थी, और फिर बच्चों की जो टेबल है बर्थडे की वो रेडी हो गई थी। देखिए, इन लोगों ने यहाँ पे बाकी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ पैकेट्स भी बना के रखे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ गए थे और अभी कुछ गेस्ट ने और आना था जिनका वेट किया जा रहा है। चलें, जब तक बाकी मेहमान आते हैं, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी ड्राइविंग लाइसेंस को लेके। आप सब लोगों को पता है कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत से हासिल किया जाता है और काफ़ी कॉस्टली भी हो गया है। अब मसला ये है कि चलें, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं ना, वो उनकी सोच फिर अगली ये होती है कि अब हमने ये ले तो लिया, अब हमने इसको संभाल के कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी सी गलतियों पर फ़ाइन देने पड़ते हैं और आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ पॉइंट्स होते हैं कुछ गलतियों पे वो भी माइनस होना शुरू हो जाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 पॉइंट हैं और अगर वो सारे आपने अपनी गलतियों की वजह से माइनस करवा दिए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वापस भी ले लिया जाता है। अब पहले तो ये होता था कि अगर आप लोग की स्पीड तेज़ है तो तस्वीर उतर जाती थी, फ़ाइन आपको घर आ जाता था, ठीक है, और उसका पॉइंट अगर माइनस होना है तो वो हो जाता है। कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता। और दूसरा ये था कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करना तो बहुत ख़तरनाक है ड्राइविंग करते हुए, पर्सनली मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं है। पहले अगर आपको ये कंट्रोल करने के लिए तो सिर्फ पुलिस अगर आपके आसपास से गुजर रही है और अगर आपने मोबाइल यूज़ करते हुए उसने आपको देख लिया है तो वो रोक के आपको फ़ाइन आपको कर देती थी, लेकिन अब जर्मनी में कैमरे लगा दिए गए हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी। अगर कोई ड्राइविंग करते हुए अपने हाथ में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा होगा और कैमरे के सामने से गुजर जाएगा तो उसकी तस्वीर उतरेगी, 100 यूरो उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, प्लस जो ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट्स होते हैं वो भी एक पॉइंट माइनस हो जाएगा। तो जो भी गाड़ी चला रहे हैं ज़रा ध्यान करके चलाएं, मोबाइल का इस्तेमाल गाड़ी चलाते हुए मत करें, अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे में मत डालें। और चलें, अगर जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है ना ये वाला काम करने की, अब तो वो भी संभल जाएं, क्योंकि जाहिर ही बात है कि 100 यूरो फ़ाइन देना बार बार तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है यहाँ पे। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूँ। और हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस संभाल के रखने से मुराद मेरी ये हरगिज़ नहीं है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लें और उसको ला के अलमारी के अंदर लॉक करके रख दें। ड्राइविंग लाइसेंस संभालने से मुराद ये कि ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ड्राइविंग करें, कोई भी गलती इस तरह की ना करें जिसकी वजह से आपको फ़ाइन देना पड़े या आपके ड्राइविंग पॉइंट माइनस हो जाए। मैं वीडियो बना रही थी, मेरी नज़रें हाजिर पे से हटी हुई थी और जब मैं इसके पास गई तो मैंने देखा इसने टाई उतार के अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, जूते और कपड़े अच्छे तरीके से उसने गंदे किए हुए थे। आज आपको मैंने लाइसेंस की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे स्कूल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो का वेट करें। यहाँ पे ये देखें, एक बच्चा आया हुआ था, छोटा सा, मतलब 2 मंथ्स का बेबी था, सब बच्चे उसके आसपास थे और सबकी कोशिश थी कि उसको सब गोद में पकड़ लें। यहाँ पे हाजिक मुझे कहता है मैं इसे गोद में उठा लूँ, मैंने कहा नहीं हाजिक आप छोटे, कहता है मैं 5 साल का हो गया हूँ तो मैं उसको उठा सकता हूँ। ये देखें कितने प्यार से उसको प्यार कर रहा है, और फिर कहता कि मुझे ना इसको भूख लगी हुई है, मैंने इसको दूध देना है पीने के लिए। बच्चा भी खुश था और हाजिक भी खुश था। यहाँ पे आ गया है खाना फाइनली, जिसका इंतज़ार था काफ़ी देर से, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। खाने में थे चने का पुलाव था साथ, अचार चिकन था, चने की चाट थी, रशियन सैलड थी, कबाब थे, आलू के कबाब बने हुए थे, पिज्ज़ा था और मिनी पिज़्ज़ा था। इसके अलावा रशियन सैलड 2 तरह से बनी हुई थी, साथ फिरनी बनी हुई थी, ज़रदा था,
देखिए सबके मुंह में पानी आ रहा है, और अब यकीन करें सारा खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। कुछ एक दो चीज़ें जो हैं वो जो गेस्ट आए थे वो भी लेकर आए थे, लेकिन ज़्यादातर जो खाना है वो मेरी फ्रेंड ने बनाया था। हाँ, केक उसने खुद नहीं बनाया था, वो उसने बेकरी से ऑर्डर दे के बनवाया था। जितने भी मेहमान आए थे सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, क्योंकि हम सब लोगों की एक जैसी रूटीन है। ज़्यादातर टाइम हम लोगों का घर में गुजरते हैं। हाँ, कुछ लोग जॉब करते हैं तो जॉब, घर, घर के काम कर लो, बच्चों को स्कूल ले आओ ले जाओ, बस ज़िंदगी इसी हद तक महदूद होकर रहेगी। और हर वक्त एक जैसी रूटीन से भी इंसान तंग आ जाता है, तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए ज़रूरी है कि इस किस्म के छोटे मोटे फंक्शंस को अटेंड किया जाए, लोगों से मिला जाए। अब यकीन करेंगे जब हम लोग आपस में बैठ के इस तरह बात कर रहे होते हैं ना, तो मेंटली तौर पे सब इतने रिलैक्स हो जाते हैं, और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। बच्चे पेरेंट्स को जब हम लोग इस तरह के किसी फंक्शन में बैठते हैं ना, तो बच्चे आके हमें तंग नहीं करते हैं। बच्चे अपने अलग से एक टीम बनाई हुई होती है और सब बच्चे अपनी एज फेलोज़ के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे बच्चों को हमारा कल्चर पता होना चाहिए, और वो इसी तरह पॉसिबल है जब हम लोगों से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे फाइनली केक काटने का टाइम आ गया था, खाना खा के सब लोग फारिग हो गए थे, और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे केक काटा था। सब लोग अपनी चेयर से उठ के टेबल के पास आ गए थे, और आयशा ने और दाऊद ने केक काटा था। यहाँ पे दाऊद फुल शरारत के मूड में था। केक पे आयशा की और दाऊद की पिक्चर बनी हुई थी, और दाऊद चाह रहा था कि जो पिक्चर बनी हुई है आयशा की, उसके फेस को केक पे से कट करे, और आयशा उसको कट करने नहीं दे रही थी। लड़के शरारत का कोई मौका जाने नहीं देते हैं। ये देखें अभी भी हाथ से ना वो उसके फेस को ही ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे अभी दाऊद का क्राइम पार्टनर हाजिक उसके साथ नहीं था, अगर वो होता तो उन दोनों ने मिलके सही तबाही मचानी थी केक के साथ। दाऊद और हाजिक बेस्ट फ्रेंड हैं, आपस में खेलते भी हैं और बेतहाशा लड़ते भी हैं, लेकिन ये होता है कि अगर दो दिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं ना, तो इनको एक दूसरे की याद सताना शुरू हो जाती है। इसी तरह आयशा की नूर की फ्रेंडशिप है, ये भी आपस में बहुत लड़ती हैं। हाँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। चलें, ये थी मेरी आज की शेयरिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।